अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लीजिए, आज हम तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की, तो मैंने सोचा रेसिपी बन रही है समोसों की, आलू वाले समोसों की, तो व्हाई नॉट आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या चाहिए। पहले मैंने एक पैन ही लिया है, उसके अलावा मैंने ये दो बड़े आलू जो है ये मैंने उबाल के मैंने इनको काट के रखा हुआ है, तो इसको हम हाथों से जो है ना वो मसल लेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हम काट लेंगे, इनको कर लेंगे ऐसे ये। और इसके साथ है मसाले जो हैं इसमें जाएंगे वो है एक टीस्पून नमक है, कसूरी मेथी है, चुटकी भर जो है अजवाइन है, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, सारे एक एक टीस्पून है, अनारदाना पाउडर, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसमें जाएगा एक अदद प्याज, तो चलिए इसमें प्याज ऐड करते हैं छोटा वाला। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हम डाल रहे हैं आधा प्याज छोटा वाला, तो ये हम चीज़ें इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। यहाँ पे हम जो है ये आलू जो है इनको मोटा मोटा काट देते हैं, मोटा मोटा करना है, हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है इनको। तो यहाँ पे जी हमारे प्याज हो गए, हमने इसमें अभी कुछ नहीं डालना, अभी इनको हल्का सा हम करेंगे ब्राउन, हल्का सा बिल्कुल पिंक सा करना है हमने। ये सारे आलू आप इसमें ऐड कर दें, इसको करवे हैं यहाँ पे, हम ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको कुछ नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमने गर्म ही करना था ताकि मसाले सारे इसके अंदर चले जाएँ। टेस्ट कर सकते हैं, आपको कम ज़्यादा लगे आप ऐड कर लें अपनी टेस्ट के मुताबिक। तो ये जी यहाँ पे धनिया भी हमने ऐड कर दिया इसके साथ, मसाला बिल्कुल रेडी है। हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं साइड पर और भूनते हैं हमारा आटा। हम लेंगे 3 कप मैदा, फ्लावर लेंगे प्लेन फ्लावर, किसी भी कंपनी का मैदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी हमने 3 कप यहाँ पे फ्लावर लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम नमक, और 1 टीस्पून डाल दें जीरा, और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे अजवाइन की, ज़्यादा नहीं डालनी हमने क्योंकि हमने समोसे में डाली हुई है। तो ये मैं इसको करूँगी मिक्स, और इसमें हम डालेंगे बटर, मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, एक्चुअली 3 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड करेंगे क्योंकि मैंने 3 कप लिया है। इसको ऐसे मसल के हम इसमें शामिल कर लेंगे अच्छे से, जैसे आप करते हैं क्रम्बल के लिए बनाते हैं ना, क्रम्बल बनाते हैं उसमें बटर ऐड करते हैं, तो इस तरह अच्छे से मल लें। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें बटर हमने ऐड किया है, ठीक है, इस तरह अच्छे से आपने ये मिक्स हो गया। ये देखिए, अब हम इसमें ये नीम गर्म पानी लेंगे और इससे हम इसे गूंद लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, हमें इसको ढीला नहीं करना ज़्यादा। रेडी, इसको बस हमने हम गूंदना है थोड़ी देर, बिल्कुल ढीला नहीं गूंदना हमने। जैसे मैंने बटर के साथ आज गूंदा ये, लेकिन ये देखिए ये कुछ, इसको हम कवर करके रख देंगे अब। तो ये जी हमारी रोटी बन रही है, यहाँ पे आटा हमारा तकरीबन हो गया है, रोटी बनेगी, इसको हम इधर कर लें। तो मुझे लग रही है ये थोड़ी रोटी मोटी है, पर बाहर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला पेड़ा छोटा ले लेंगे। ओके, तो ये होगी हमारी रोटी, इसको हम काटेंगे हाफ में, ठीक है जी। इसको करते हैं साइड पे, और यहाँ पे हम लगाते हैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे हम, क्योंकि ये कच्चा आटा है ना तो ये जल्दी चिपक जाएगा इसके साथ, अगर वो दूसरी रोटी पका के करते ना तो फिर हमें इसके लिए वो बनाना पड़ता, क्या कहते हैं, थोड़ा सा घोल बनाना पड़ता इसका, हाय हाय बाजी नहीं आई कमी। अच्छा जी, यहाँ से लेते हैं एक चम्मच, नहीं है यहाँ पे, चलें
इसी से डाल लेते हैं। वैसे ये फीलिंग अभी गर्म है, अब क्या करूँ, ये मेरा समोसा खराब हो जाना है। भाई इसका कोई हल बताएं। इसको थोड़े से गार्डन में रख के आऊँ, बिल्लियाँ पड़ जाना है। तो ये देखें जी, हमारा समोसा रेडी, समोसा हमारा रेडी है। इसको इसी टाइम बनाएं और खाएं, मज़े ले लेके। और यकीन करें, इसमें मैंने बटर डाला ना, तो बड़ा ही खस्ता बनना ये। तो ये देखिए जी, हमारा समोसा रेडी है। इसको आप ऐसे ही फ्रिज में थोड़ी देर रखें बना के, जब ये थोड़े से जैसे हार्ड हो जाए ना ये पेस्ट्रीज की, तो आपने सिंगल सिंगल करके ना आपने इनको फ्रीज कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कच्चे फ्रीज करें तो फिर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा इनको, हल्का सा कलर आ जाए ना इनको तेल में फ्राई करके, तो आपको लगेगा हल्का कलर आ गया, इसको निकाल के ठंडा करें और फिर दोबारा फ्रीज कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं और कच्चे भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं बना बना के इसमें रखती हूँ और फिर जो है ना हम इनको फ्राई करके खाएंगे, ठीक है। जी ये थी मेरी समोसों की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।